उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ के 47वें जन्मदिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागरिकों ने बुधवार को हरिओम नगर रोड पर एकत्रित होकर मिष्ठान एवं तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी और चिरायु होने, स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और प्रदेश के साथ साथ देश का भी नेतृत्व करें, यही भगवान से कामना किया। पर्यावरण दूषित होने से बचाने के लिए शुद्ध हवा के लिए सर्वसुलभ हो, इसीलिए तुलसी के पौधे का वितरण भी किया गया। इस दौरान दुर्गेश त्रिपाठी, विजय खेमका, स्वीटी जायसवाल, किरण पांडे, राजेश गुप्ता, राजा राय, सनी त्रिपाठी, मिथिलेश मल, देवेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, माया श्रीवास्तव, नर्मदा श्रीवास्तव, सुधाकर राय, मनोज मिश्रा, अनुराग खेमका, शुभम गुप्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गौरवपुनी संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने कहा, चढ़िया रख दीजिए, आइए तुलसी पत्ता दे, पौधा देते आपको, आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा जी ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बधाई हो बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज यहाँ हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे सहेलियां मेरी, सारे भाई बंधु लोग इकट्ठा हुए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाने के लिए। और इस खुशी में, योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के खुशी में, हम लोग लड्डू वितरित किए हैं आमजनों में, और विश्व पर्यावरण दिवस भी हम लोग इसमें मना रहे हैं जिसमें हम लोग तुलसी जी के पौधे को वितरित किए हैं। नम्रता श्रीवास्तव, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है और इस आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष में हम लोग तुलसी जी का पौधा बांट रहे हैं कि हम लोग का वातावरण शुद्ध रहे। और इसमें सीधे तुलसी जी के पौधे में नारायण वास करते हैं, ये बहुत शुभ होता है। आज गोरखपुर के हमारे प्रिय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री का जन्मदिवस है। इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान वितरित किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, और आज पर्यावरण दिवस भी है और पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर हम लोग ने 47 तुलसी के पौधों को यहाँ पे आम जनमानस को वितरित किया है ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके और हम सब महाराज जी के जन्मदिन को यहाँ पर मिलजुल कर हंसी खुशी मनाएं।